जी वाले सलाम जी चाचा, ये बताएं कि ये जो रेत है जी, इसकी कितने अकसाम होती है? तीन अकसाम होते हैं इसके। अच्छा जी, तो कौन से अकसाम किस मकसद के? ये हमारे छोटे काम के लिए तो वो ब्रिक मतलब इस्तेमाल होती है, तो वो बिल्डिंग के लिए जो है ना, तो इसके लिए मोटा मतलब है जी वो इस्तेमाल होती है, मोटी रेत लार्न फूल वाली वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, ऐसे ही मतलब है हमारा बजरी भी इसी हिसाब होता है। आपके पास रेत कौन सा है? ये हमारे पास गाजी वाली रेत है। ये जरा दिखाएं, इसकी क्या पहचान है जी? इसकी ये देखें, ब्रिक रेत है ये। सही जी, ये ब्रिक है। ब्रिक है। ठीक हो गया जी। ये किस मकसद के लिए आप इस्तेमाल? ये हमारे छोटा टैल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टैल वगैरह बनाते हैं? टैल वगैरह बनाते हैं। ठीक है, जाली और टैल। और बजरी के कितने अकसाम होती है? बजरी के भी तीन चार होते हैं। इसके होते हैं कि ये हमारा छोटी जो बजरी होती है ये हमारे टैल के लिए और जाली के लिए इस्तेमाल होती है ये। ठीक है, तो जो मोटी बजरी होती है उसमें वो बिल्डिंग आती है, वो बिल्डिंग का मतलब काम करना है कि क्रैश मतलब या पुल बनाने के लिए या और मोटी वो इस्तेमाल होती है। अच्छा। जी, तो आपके पास कौन सी बजरी है? हमारे पास ये छोटी पैन है, ये वाली, ये छोटी पैन है हमारे छोटी टैल के लिए, ये हमारे जरूरत पड़ती है ये। ठीक है जी। तो ये छोटी सस्ती होती है या मोटी सस्ती होती है? ये छोटी सस्ती, बड़ी सस्ती होती है, छोटी महंगी होती है ये। अच्छा, छोटी महंगी होती है। ये महंगी होती है। अच्छा। जी जी, तो इसकी क्या वैसे अंदाजन प्राइस है? प्राइस इसे 27,000 रुपये की इस तरह डेम्पर आता है ये। डेम्पर आता है। और मोटी के तक 24,000 रुपये का आता है वो। और रेत? रेत इस तरह ये 27,000 रुपये जो मतलब जो गादी वाली है वो 27,000 रुपये लेती है, दूसरा लारंगपुर वाली है 24,000 रुपये के लेते हैं। अच्छा जी।